नमस्कार, पंजाबी टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। बात करेंगे आज देश की सियासत में जो आज की बड़ी खबर है उस पर बात करेंगे। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि आज से ठीक 3 महीने पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए थे। उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथपुरी, यहाँ दर्शन करने गए थे और दर्शन के समय उनके साथ बस सलूकी का मामला सामने आया है, जिसके बाद देश की सियासत तेज हो गई है और मंदिर प्रशासन भी इस पूरे घटना को लेके काफ़ी संजीदा नजर आ रहा है। रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद के साथ ओडिशा के प्रसिद्ध मंदिर श्री जगन्नाथपुरी में कथित बसालुकी का मामला सामने आया। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी करीब 3 महीना पहले 18 मार्च को मंदिर में दर्शन करने गए थे। इस पूरे घटना का खुलासा मंदिर प्रशासन की बैठक मीटिंग में सामने आया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी के साथ मंदिर के गर्भगृह के द्वार पे बदसलूकी का मामला सामने आया। जब वो गर्भगृह में जाने लगे तो सेवागारों ने उनके साथ बदसलूकी की और उनको केहुनी तक मारी, जिसके बाद 19 मार्च को राष्ट्रपति भवन ने पुरी के डीएम को लेटर लिखा था और उनके खिलाफ नोटिस जारी करने की बात कही थी और पूरा मामला उसके बाद तुल पकड़ता हुआ नजर आया। इस पूरी घटना के बाद पुरी के कलेक्टर अरविंद अग्रवाल ने 19 मार्च को मंदिर प्रशासन को एक नोटिस भेजा, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने अपनी बैठक बुलाई। बैठक में इस बात का खुलासा हुआ, इस बात सामने आया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की गई थी, जिसके बाद मंदिर प्रशासन 3 सेवागारों के ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कह रही थी। इस पूरी घटना में सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया और 8 जून को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के साथ बदसलूकी मामले में मंदिर प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी की थी और कड़े सवाल पूछे थे, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने सेवागारों के ऊपर एक्शन लिया और अभी कार्रवाई चल रही है। जो पूरी घटना है उस पर जाँच की बात चल रही है। मंदिर प्रशासन ने कहा हम इस पर जाँच करेंगे, कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो किया जाए। वहीं पॉलिटिकल गलियारे से भी काफी टिप्पणियां होने लगी हैं इस पूरे मामले पे। पॉलिटिकल लीडर्स भी कह रहे हैं कि जब सेवागारों को इतनी फ्रीडम मिल जाती है कि वो आम आदमी के साथ साथ देश के राष्ट्रपति के साथ भी बदसलूकी करने लगे तो एक्शन कड़ा होना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि देश के राष्ट्रपति के साथ बदसलूकी या देश के किसी भी नागरिक के साथ सेवागार बदसलूकी ना कर सके मंदिर प्रशासन में। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों हम फेसबुक और यूट्यूब के जरिए आप तक पहुँचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।